दगड़ियों गुड मॉर्निंग पहला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तगड़े होंगे मेरी तरह। तो दगड़ियों एक नए दिन की शुरुआत के साथ आज का व्लॉग भी मैंने शुरू कर ही दिया है। आज हम लोग जो है ना ऐसी जगहों में जाने वाले हैं, काफी मजे आने वाले हैं, वहां से जो है ना कुछ नई नई चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो दगड़ियों अभी फिलहाल छत में चलते हैं, उसके बाद जो है ना आप लोगों को दिखाते हैं वहां से बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। थोड़ी बहुत अपडेट हमारे पहाड़ों की मेरे व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को मिली जाएगी। तो देखते हैं दगड़ियों आज के दिन की हमारी एक्टिविटी क्या क्या रहती है। तो दगड़ियों फटाफट से जो है ना चलते हैं छत में। आज का मेरा ड्रेस अपना कुछ ऐसा है, देख सकते हैं मैं अभी फिलहाल तैयार होकर जो है छत में आ गया हूँ। तो मौसम की बात करें, देख सकते हैं अभी जो है काफी ज्यादा बादल लग हुए हैं, जो है कल शाम से अभी तक बारिश लगी हुई थी, इसी वजह से मैं आज काफी देर में व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी फिलहाल तो बज गई 11। अभी जो है ना मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, जो है ना कल शाम से बारिश लगी थी, अभी 9 बजे बंद हुई, मतलब काफी ज्यादा बारिश कंटिन्यू हो ही रही थी। और देख सकते हैं मम्मी लोग जो है ना इधर खेत से अभी घास वास लेके आ रहे हैं, और हमारे साथ में है बंटी। तो बंटी के साथ आज का व्लॉग मैंने शुरू कर रखा है। आज जो है ना हम लोग ऐसी लोकेशन में जा रहे हैं जहाँ रील वील शूट करने का अच्छा है, तगड़ा सा है, मतलब मजा आ जाएगा। लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, गाइस फटाफट से जाके फॉलो कर लो मुझे, वहाँ पर पांडा ऑफिशियल करके आईडी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख के जो है फॉलो कर सकते हैं मुझे। और अभी हम लोग जो है ना निकलने वाले हैं घर से, और इसको देख सकते हैं बंटी, और जो है ना बच्चे भी आ चुके हैं ऊपर से, देख सकते हैं ये लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, शायद हमारे घर आ रहे हो। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जो हमारे रोहित पहाड़ी व्लॉग है ना, आप लोगों ने देखे होंगे उनके व्लॉग, तो उनके साथ जो है ना हमारा मीटअप होने वाला है अल्मोड़ा में, तो दिखाएंगे आप लोगों को भी। रोहित भैया से जो है ना मेरी बात हुई थी, उनके जो है 1,50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, उसी खुशी में जो है अल्मोड़ा में उन्होंने मीटअप रखा हुआ है, तो मीटअप में हम भी जाएंगे। कैसा लगता है हम लोगों को वहां पर, को देखते हैं परसों आएंगे शायद, तो परसों को जो है मीटअप होगा बढ़िया करके, और उसके बाद जो है ना उनको हम अपने गांव में लेके आएंगे और गांव भी घुमाएंगे बढ़िया करके मजे में, उनके साथ ब्लॉग बनाने में काफी मजे आएंगे। आज के दिन जो है ना काफी ज्यादा ठंडी है, मतलब देख सकते हैं जिस हिसाब से तुम्हारे भाई ने पहन रखा है स्वेटर, तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में कितनी ठंडी हो रही होगी। तो दगड़ियों अभी के लिए इतना काफी है, फिलहाल निकलते हैं घर से। तो दगड़ियों देख सकते हैं मम्मी भी जो है ना घास से आ गई है, अभी जो है 11 बज गए हैं और टाइम जो है काफी ज्यादा हो गया। दगड़ियों अभी जो है ना काफी ज्यादा हवा चल रही है, काफी मजे भी आ रहे हैं और मौसम जो है ना काफी ठंडा हो रहा है। बंटी ने भी जो है ना दौड़ लगा दी मम्मी के साथ पुराने वाले घर को। तो दगड़ियों थोड़ी देर बाद निकलते हैं हम लोग घर से, और उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को, तब तक आप ये सिनेमेटिक सीन चेक करें। प्यारी को जो है ना फटाफट से निकालते हैं बाहर, उसके बाद मिलते हैं हम आप लोगों से। तो दगड़ियों मैं जो ना निकलने वाला हूँ घर से, प्यारी को ले जाने से पहले जो है ना एक बार नाम ले लेते हैं उनका। तो जय महादेव, जय शिव शंभू। तो चलते हैं दगड़ियों महादेव का नाम लेते हुए आगे की तरफ। तो हम लोग जो है ना अपने वहाँ के पुल में पहुँच चुके हैं, और हमारे पुल से जो है ना देख सकते हैं कितनी बड़ी बाढ़ आ रखी है। कल रात को जो है ना काफी ज्यादा बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से जो है बाढ़ आ रखी है यहाँ को, और इसमें जो है पानी बहुत तगड़ा था, सुबह तो उधर सामने तक गया था, तो देख सकते हैं काफी ज्यादा पानी, अगर इस पानी में कोई आ गया तो अचानक से बह जाएगा। तो दगड़ियों ये है हमारे वहाँ की एक छोटी सी नदी, लेकिन ये जब बरसात में आती है तो ना ऊपर ऊपर तक पानी चले जाता है, यहाँ का यहाँ काफी ज्यादा पानी हो जाता है, और यहाँ से देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, और उधर की नदी में जो है ना कम ही पानी है, क्योंकि ये छोटी नदी है और ये बड़ी नदी है। तो देख सकते हैं दगड़ियों यहाँ का पानी जो है ना, और अभी मैं खड़ा हूँ अपने यहाँ के ब्रिज में। तो दगड़ियों जाते लेट ना करते हुए चलते हैं हम आगे की तरफ, दिखाते रहेंगे आप लोगों को, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों पहुंच गए हैं हम अभी आधे रास्ते में, और देख सकते हैं जो है ना पीछे मेरे ये जो है काफी अल्टीमेट लग रहा है, काफी मजा आ रहा है, देख सकते हैं ऊपर से जो है ना झरना बना हुआ है, ऊपर से जो है नीचे पानी आ रहा है, और ये पानी जो है ना काफी शुद्ध होता है, और ये पीने के लिए जो है अक्सर यूज किया जाता है, तो ये पानी जो है बिल्कुल शुद्ध पानी है, और बिल्कुल फ्रिज से भी तगड़ा ठंडा पानी है। फिलहाल तो चलते हैं आप यहाँ से आगे की तरफ, देख सकते हैं यहाँ ऊपर से जो है ना पूरी चट्टान जो है नीचे गिर गई है, और यहाँ पेड़ वेड़ भी टूट गए रास्ते में, ये जो है ना इसलिए हो रहा है उत्तराखंड में काफी भारी मात्रा में जो है वर्षा हो रही है। तो देख सकते हैं दगड़ियों मेरे पीछे जो है ना काफी ज्यादा, मतलब ऊपर से जो है रोड ब्लॉक हो गई है, गाड़ी वाले जो है नीचे से लेके जा रहे हैं, ये जो है अभी धौलचिना रोड है, ये बहुत खराब हो चुकी है, अब जो है मुझे कीचड़ के रास्ते निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं हम फिलहाल आगे निकालते हुए।
बढ़िया, हम जो है ना पहुंच चुके हैं आपको, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का मौसम जो है ना कैसा हो रहा है। अभी मौसम जो है ना बढ़िया हो रहा है काफी, और जो है नीचे देख सकते हैं बाढ़ आ रखी है। यही वाली नदी जो है ना हमारे वहाँ को आती है, देख सकते हैं इसमें जो है ना बह के इतने बड़े बड़े गिल्टे टाइप के भी आ रखे हैं। और ये देखिए इधर का साइड, काफी ओपी लोकेशन है, मुझे यहाँ को काफी अच्छा लग रहा है। अकेला तो आया हुआ हूँ मैं, तो देख सकते हैं। लोकेशन जो है ना कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, हमको जो है ना आपको काफी मजे आ रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। मतलब पहाड़ों में घूमने का तो कुछ और ही मजा होता है। आजकल जो है चौमास लग चुका है, देख सकते हैं हर जगह जो है ना ऊपर ऊपर से पानी आता है। ये भी जो है ना यहाँ से जो है काफी ट्रक वाले इस पानी को लेके जाते हैं, काफी साफ पानी होता है, मतलब ये पहाड़ों का पानी हुआ ऊपर से। ये इतना ठंडा होता है वो तो बता नहीं सकते हम आप लोगों को, फ्रीज से भी ज्यादा ठंडा होता है। तो देख सकते हैं आपको जो है ना काफी ज्यादा पानी है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह में, तो दिखाते हैं आप लोगों को ये जगह जो है ना, यहाँ पर जो है राधा कृष्ण का मंदिर है, मतलब काफी अच्छा मंदिर है। यहाँ पर जो है ना जन्माष्टमी के दिन मेला भी लगता है, मैं तो कितने बार आया हुआ हूँ। मंदिर का व्यू जो है ना कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, काफी अच्छा मंदिर है मतलब, और यहाँ का देख सकते हैं पूरा सीन। और जो नीचे देख रहे हैं ना दगड़ियों, वो तालाब टाइप का, इसमें जो है ना पूरी मच्छियाँ पाली हुई हैं, बड़ी बड़ी मच्छियाँ हैं। अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो तभी दिखेंगे वो। आजकल जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा पानी हो रहा है, कभी कभी जो है ना इस तालाब में पानी कम हो जाता है तो तभी दिखते हैं मछलियाँ। और ये लोकेशन देख सकते हैं, पूरा जंगल का इलाका है, मतलब काफ़ी सुनसान इलाका है, काफ़ी मज़े भी आ रहे हैं यहाँ पर। तुम्हारे भाई को जो है ना शांत एरिया पसंद है बिल्कुल। तो अभी मैं आया हूँ चीना के पास में, तो दगड़ियों अभी हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ी ऊपर तक घूम के आते हैं, तो वहाँ पर जो भी दिखेगा हम लोगों को आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो दगड़ियों बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों मौसम देख सकते हैं आप लोग, बहुत खतरनाक मौसम हो गया अभी, ऊपर से जो है ना बारिश आ गई है, देख सकते हैं ऊपर से उस वाली पहाड़ी से जो है काफी ज्यादा बारिश आ गई है। अभी हम लोग जो है भीग जाएंगे। हमारा भाई जो है ना अभी यहाँ पर को आ रखे है, अभी फिलहाल मैं हूँ धौलचीना के आसपास में। ये वादियाँ जो है ना पहाड़ों में काफी मजे ही आ जाते हैं इस टाइम पे तो घूमने में। तो दगड़ियों चलते हैं अभी आगे की तरफ, ऊपर जाके दिखाते हैं आप लोगों को ऊपर टॉप से कैसा सीन आता है। तो दगड़ियों पहुंच चुके हैं हम एक खूबसूरत सी लोकेशन में, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं यहाँ से जो है ना सामने का व्यू तो एकदम अल्टीमेट आ रहा है। देख सकते हैं बादल जो है ना बिल्कुल पहाड़ी को छूते हुए आ रहे हैं, और उधर से जो है व्हाइट व्हाइट से आप देख रहे हैं, उधर से बारिश आ गई है। और इधर जो है ना बिमला माता का मंदिर है, बिमलकोट जो मंदिर पड़ता है वो इधर ही पड़ता है। फिर देख सकते हैं वहाँ का जो व्यू है ना सामने का, काफी तगड़ा लग रहा है। तो अभी तुम्हारा भाई आ रखा है यहाँ पर एक प्यारी सी लोकेशन में। हमारी पहाड़ी कुर्सी देख सकते हैं, पहाड़ी कुर्सी जो है ना कुछ इस तरीके से बनाई हुई है, ये जो है पेड़ को काट के बना रखे हैं, देख सकते हैं आपको बैठने का काफी बढ़िया बना रखे हैं मतलब। और ये लोकेशन कुछ ऐसी है, यहाँ आपको बैठ के चाय वगैरह पीने में ना जो है काफी मजे आएंगे। तो दगड़ियों देख लिया होगा आप लोगों ने मेरा ये टाइम लैप्स, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी जो है ना यहाँ का मौसम जो है हल्की हल्की धूप भी आ गई है। अभी तुम्हारा भाई एक ऐसी खूबसूरत लोकेशन में जहाँ जाके ना काफी मजे आ गए मुझे, तो मतलब काफी अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, आप लोग भी फील करिए वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ से देख सकते हैं पहाड़ियाँ जो है ना काफी तगड़ी सी लग रही है, और काफी अच्छा भी लग रहा है, और देख सकते हैं प्यारी जो है ना आपको खड़ी कर रखी है। तो दगड़ियों चलते हैं हम थोड़ी आगे तक, दगड़ियों पहुंच चुके हैं हम अभी धौलचीना मार्केट में, और देख सकते हैं धौलचीना का ना व्यू कुछ ऐसा है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं धौलचीना मार्केट किस टाइप की है। धौलचीना मार्केट जो है ना कुछ ऐसे टाइप की है, देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना आई लव धौलचीना वाला जो है बोर्ड यहाँ पर लगा रखे हैं, देख सकते हैं यार ये काफी ओपी लोकेशन है। तो फिलहाल फटाफट से जो है ना हम खाना वाना खाते हैं कुछ, उसके लोग जो है ना रुके हुए थे एक रेस्टोरेंट में, तो भूख वगैरह भी लगी रही थी, हमने सोचा कुछ खा ही लेते हैं। अब जो है ना हमने मोमो ऑर्डर करे थे, तो मोमो आ चुके हैं, दिखाते हैं आप लोगों को भी। ये फिलहाल जो है ना हम लोगों ने मोमो वगैरह खा लिया, और अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो दगड़ियों फिलहाल टाइम हो चुका है, शाम के 4 बज गए हैं। तो ये थी हमारे आज के दिन की एक्टिविटी। तो दगड़ियों आप लोगों ने देख लिया होगा, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दगड़ियों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।